नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M31s। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन में जो इंटरनेट है काफ़ी स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक सेटिंग्स बताने वाला हूँ। आपको उस सेटिंग्स को चेंज करना है, उसके बाद आपके फ़ोन में जो इंटरनेट होगा काफ़ी फास्ट चलने लगेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेटिंग्स चेंज करने के पहले और सेटिंग्स चेंज करने के बाद जो इंटरनेट की स्पीड में डिफरेंस कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने अब सेटिंग्स में जाके कनेक्शंस में, मोबाइल नेटवर्क्स में, यहाँ पे नेटवर्क मोड को ऑटो पे सिलेक्ट किया है, जो आपके सभी फ़ोन में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑटो कनेक्ट पे रखा हुआ है, यही सेटिंग्स आपको मिल जाती है 4G यूज़ करने के लिए। तो अब मैं देखता हूँ कि इसकी जो स्पीड है कितनी होती है ऑटो नेटवर्क मोड पे। तो यहाँ पे मैं स्पीड चेक करूँगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीड इस तरह से आपको मिलती है। वापस मैं चेक करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो नेटवर्क मोड में मुझे आधे MBPS की भी स्पीड नहीं मिलती डाउनलोड में, लेकिन एक सेटिंग के द्वारा मैं इस जो नेटवर्क स्पीड है उसे बढ़ा सकता हूँ। ये तो सिर्फ डाउनलोडिंग की स्पीड हम इस तरह से चेक करते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली देखना चाहूँगा कि जो फाइल होती है कोई भी, वो कितने स्पीड से डाउनलोड होती है। तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर में टेम्पल रहने, ये 43 MB का गेम है, इसे मैं डाउनलोड करना चाहूँगा और देखते हैं ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है डाउनलोडिंग। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो करीबन 6 मिनट लगते हैं मुझे 43 MB की एक फाइल डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में से। तो इतना स्लो इंटरनेट यहाँ पे चलता है मेरे फ़ोन में। हालांकि मेरे एरिया में प्रॉब्लम रही है स्लो इंटरनेट नेटवर्क की, लेकिन फिर भी मुझे अगर इस टाइप का स्लो इंटरनेट नहीं चाहिए अपने फ़ोन में, तो मैंने यहाँ पे एक सेटिंग्स चेंज की है। अगर आप उस सेटिंग्स को चेंज करते हो तो आप भी जो अपनी इंटरनेट की स्पीड है वो बढ़ा सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 6 मिनट लगे हैं 43 MB की फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सैमसंग बैंड सिलेक्शन इस ऐप को डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है लॉन्च बैंड सिलेक्शन में, और फिर यहाँ से आपको जाना है बैंड सिलेक्शन में। दोस्तों, अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हो तो आपको LTE B1 चूज़ करना है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा स्पीड मिलती है एयरटेल में। फिर अगर आप मान लो जियो का सिम यूज़ कर रहे हो तो आपको 3 बैंड में से किसी भी एक बैंड को चूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको करना है 3 और फिर 5 और फिर 40। तो सबसे पहले मान लो आपने 3 पे सिलेक्ट कर दिया, आपको यहाँ पे सिलेक्टेड करना है। फिर आपको इसे देखना है कि स्पीड कैसी आती है। अगर आपको लगता है कि स्पीड कम आती है, वापस इसे डिसलेक्ट कीजिए, फिर 5 को चूज़ कीजिए, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि स्पीड वापस कम आ रही है तो फिर वापस डिसलेक्ट कीजिए और फिर 40 को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्शन पे इनेबल कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो या आइडिया का या फिर वी का, तो आपको 138 याद रखना है। LTE B1, LTE B3 और LTE B8 आपको 3 में से 1 बाय 1 चेक करते रहना है। तो इस हिसाब से आप अपने M31s में जो इंटरनेट की स्पीड है अलग अलग सिम कार्ड पे आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं देखना चाहूँगा इंटरनेट की स्पीड कितनी आती है अपने इस फ़ोन में। तो यहाँ पे मैं स्पीड टेस्ट लॉन्च करूँगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो पहले 1 MBPS भी स्पीड नहीं थी, लेकिन अब मैंने सेटिंग्स जो चेंज कर दिए इसके बाद करीब 20 MBPS स्पीड आ गई है सैमसंग गैलेक्सी M31s में, और अपलोड स्पीड भी 4.7 के करीब। वापस हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे करीबन 19 MBPS की स्पीड आई है, 18.5 MBPS, और जो अपलोड स्पीड है वो भी 4.8 MBPS। तो डाउनलोड और अपलोड की स्पीड काफ़ी बढ़ गई है, जो पहले 1 MBPS भी नहीं थी, अब वो करीबन 19 MBPS की स्पीड पे चल रही है स्पीड। अब हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, अगर यही फाइल मैं अगर यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, टेम्पल रन की जो फाइल थी जो 43 MB की थी, अगर मैं इसे वापस डाउनलोड करता हूँ
तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों केवल 32 सेकंड में डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है 43 MB का, जो पहले 6 मिनट लगते थे अब आप यहाँ पे देख सकते हो 32 सेकंड। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M31s में जो स्लो इंटरनेट की जो इश्यू है, प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।